नाजरीन सलाम अलैकुम। जैसे कि आप हजरात जानते हैं कि मजलिस बसिलसिला सोयम मरहुमा व मग़फूरा इफ़त सैयदा नक़वी बिनते मरहूम रईसुल हसन नक़वी की मुनासबत से मुनाक़िद की जा रही है। आइए अज़ीज़ाने ग्रामी इस मजलिस को आगाज़ करते हुए हम चलते हैं आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना वसी हसन खान साहब की खिदमत में कि वो इस मजलिस को ख़िताब फरमाएं और मोमिनीन को अपने बयान से मुस्तफीज फरमाएं। आप हजरात से गुजारिश है, नारे सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله مولا صاحب मौल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा गालिबा नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मौलाना साहब हमारी जल्द हाजिर होंगे। आप लोग बराए मेहरबानी ऑनलाइन रहें। जी मौल साहब अभी वॉइस नहीं आ रही है आपकी, वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा जॉइंट ऑडियो कॉल ओवर इंटरनेट, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वॉइस आएगी। السلام عليكم मौल साहब आपका म्यूट है अभी गालिबन। जी जी अभी आ रही आवाज। सलाम जी जी जज़ाकअल्लाह। शुरू करें जी। बिस्मिल्लाह मौल साहब। अऊज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबीना وشفيعنا ان شاء الله ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وال محمد وظاهر جلالك وجمالك واللعن على اعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم لقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
इरशाद हजरत हक जल्ला वाला होता है कि हमने जिनों को और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर ये कि ये हमारी इबादत करे। तो हमारे वजूद का मकसद, हमारी खिलकत का मकसद, असल मकसद इबादत इलाही है। अब ये इबादत जो लोग करते हैं, इबादत की मुख्तलिफ किस्में हैं। पहले हम जो है वो इबादत के मोटे तौर के ऊपर दो किस्म होगी, एक का नाम है इबादत जबरी और एक का नाम है इबादत इख्तियारी। इबादत जबरी क्या है कि जिसमें इबादत करने वाले को अपना कोई अख्तियार नहीं है। इबादत इख्तियारी कि जिसमें इंसान या जिन जो भी है इबादत करने वाला वो अपने इरादे और इख्तियार से इबादत करता है। तो पहले मरहले में इबादत की दो किस्में हुई, एक इबादत जबरी और इबादत इख्तियारी। इबादत जबरी तमाम मखलूकात वो इबादत जबरी में मसरूफ है, वो चाहे चरिंद हो, परिंद हो, सूरज हो, चांद हो, जमीन हो, चौपाए हो, बशर हो, सब के सब इबादत में मसरूफ है। चुनांचे इरशाद होता है वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहा। कायनात में जो कुछ है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। या दूसरी जगह इरशाद होता है सूरह मुबारक हज में कि अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, क्या नहीं देख रहे हो तुम लोग कि इबादत कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं उसका। मन फिल अर्द जो कुछ आसमान में है, व मन फिल अर्द जो कुछ जमीन में है, व शम्स वल कमर सूरज सजदा करता है, चांद सजदा करता है, व नजूम सितारे सजदा करते हैं, वल बिहार और समंदर सजदा करते हैं, व शजर व दवाब। या दूसरी जगह इरशाद होता है व नजम व शजरो यस्जुदान, दरख्त और सितारे सब अल्लाह का सजदा करते। तो ये किस्म पहली हो गई जहां इबादत इबादत जबरी, सारी कायनात जो सब बिहुलिल्लाह है मा फी समावात व मा फिल अर्द। अब इस इबादत जबरी में इबादत करने वाले का अपना कोई इरादा और इख्तियार नहीं होता। जब अपना कोई इरादा और इख्तियार नहीं है तो वहां इस तरह का कोई सवाल नहीं पैदा होता कि ये इबादत क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि वो इबादत करने पर मजबूर है। जब मजबूर है तो सवाल नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं। ना आप सूरज से पूछ सकते हैं, ना चांद से पूछ सकते हैं, ना किसी मखलूकात से। अब आइए दूसरी किस्म कि जिस इबादत का नाम है इबादत इख्तियारी, यानी अल्लाह ने कुछ मखलूकात वो है कि जिनको इख्तियार दे रखा है, चाहे इबादत करे और चाहे तो इबादत न करे। वो सिर्फ दो मखलूकात, एक का नाम है जिन और एक का नाम है इंसान। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है उसमें भी यही इरशाद होता है वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिनों और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करे। तो अब जबरी इबादत सारी मखलूकात कर रही, लेकिन इख्तियारी इबादत सिर्फ दो मखलूक के दरमियान है, एक का नाम है जिन और एक का नाम है इंसान। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अगर इबादत जबरी है तो वहां ये सवाल नहीं होगा कि क्यों की जा रही, लेकिन अगर इबादत इख्तियारी है तो सवाल इबादत करने वाले से भी सवाल होगा कि क्यों इबादत कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी सवाल होगा कि इबादत क्यों नहीं कर रहे हो। तो अब जब इबादत इख्तियारी हुई इंसान की और जिन की, तो हम लोग जो भी इबादत करते हैं सवाल ये होगा कि इंसान या जिन जो इबादत कर रहे हैं वो इबादत क्यों कर रहे हैं। कुरान को अगर आप देखें और रिवायात को अगर आप देखें तो मोटे तौर के ऊपर इंसानों और जिनों की इबादत के तीन मकसद नजर आते हैं जो कुरान और हदीस से समझ में आता है। नंबर एक, कुछ लोग इबादत करते हैं तमा लालच में, इबादत करोगे जन्नत मिलेगी, इबादत करोगे सवाब मिलेगा, इबादत करोगे हूरे मिलेंगे। चुनांचे इरशाद होता है कुछ नहीं सही तो सवाब का तो इरादा रहता है आदमी का, सवाब की लालच।
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک عمل بجا لاتے ہیں, کاہے کا وعدہ کیا خدا نے, لہم مغفرت و اجر کریم, کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. یا دوسری جگہ سورہ مبارک ہے نساء میں ارشاد ہوتا ہے مَن یُطِع اللہ وَرَسُولَهُ, جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی, یُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ڈال دے گا اس بہشت میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو اب کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کی لالچ میں, مغفرت کی لالچ میں, ثواب کی لالچ میں. تو پہلی قسم ہو گئی عبادت بربنائے طمع. دوسری قسم عبادت کی آتی ہے عذاب کے خوف سے. ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارک کیا کہتے ہیں یونس, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اللہ کے اس عظیم دن کے عذاب سے. یا ارشاد ہوتا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. تو اب یہ دو قسمیں ہو گئی عبادت کی. نمبر ایک, کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ کی بنیاد پر, وہ قرآن کی آیتیں ہم نے پیش کر. نمبر دو, کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف کی بنیاد. تیسری قسم جو ہے وہ جو قرآن نے بیان کیا, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے ہاں دونوں صفت پائی جاتی ہے, یعنی لالچ بھی ہے اور خوف بھی ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارک ہے سجدہ میں کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, کہ یہ لوگ راتوں کو اپنا بستر چھوڑ دیتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں. یدعون ربہم, راتوں کو اٹھ کے اپنے اللہ کو, اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. وجہ کیا ہے راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے کی؟ خوفاً و طمعاً, کچھ خوف اور کچھ طمع, یعنی کچھ لالچ. تو اب تین قسمیں یہ ہو گئیں قرآن کی روح سے کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف میں, کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں طمع اور لالچ میں, کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں طمع اور خوف دونوں. سوال, آیا اس طرح کی عبادت جو طمع کی بنیاد پر ہو یا خوف کی بنیاد پر ہو یا خوف و طمع دونوں کی بنیاد پر ہو صحیح ہے؟ جواب بالکل, اسی بہانے سے صحیح. آدمی ثواب کی لالچ میں صحیح عبادت تو کرے گا, جنت کی لالچ میں صحیح, جہنم کے خوف میں بھی صحیح عبادت تو کر رہا ہے. چنانچہ آپ نہج البلاغہ میں ملاحظہ فرمائیے, جہاں مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے متقیوں کے صفات بیان کیے ہیں, وہاں متقیوں کی صفت میں یہ چیز بیان کی. اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر طمع میں بھی عبادت کر رہے ہیں تو وہ حرج نہیں ہے, خوف میں بھی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ نہج البلاغہ میں پورا خطبہ ہے صفات متقین کے نام سے. ایک صحابی تھے امیر المومنین کے جن کا نام تھا جناب حمام. ایک دن حمام نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے درخواست کی, یا امیر المومنین صف لی المتقین, مولا متقیوں کے صفات بیان کی. اس وقت ایکسٹمپور جو مولا نے خطبہ بیان کیا ہے متقیوں کے صفت میں, وہ 110 صفتیں امیر المومنین نے بیان کی ہے. اس کو اس تفصیل میں نہیں جانا ہے, لیکن وہی بیان کرتے کرتے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلولا اجل اللہ الذی کتب اللہ لہم, کہ اگر اللہ نے ان کے لیے موت کا وقت معین نہ کر دیا ہوتا, لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم, تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی نہ رہتی, طرفت عین, پلک جھپکنے کے برابر, یعنی اگر ان کے بس میں ہوتا خود سے مرنا تو یہ ایک سیکنڈ زندہ نہ رہتے, یہ مر جاتے. کیوں مر جاتے؟ مولا نے فرمایا وجہ, شوقا من الثواب وخوفا من العقاب,
सवाब के शौक में और अजाब के खौफ में। तो इस फिक्रे से अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के ये समझ में आता है कि खौफ में भी इबादत करना कोई हराज नहीं है, शौक में भी इबादत करना कोई हराज, लालच में भी इबादत करने में कोई हराज नहीं है। मौला ने मुत्तकियों के सिफात में इसको नहजुल बलागा में बयान किया। अब आइए हम आते हैं एक रिवायत पर। रिवायत में एक सिंह और बयान की है, एक किस्म और बयान की है इबादत। कुरान से तो हमने अर्ज किया कि खौफ या तमा या दोनों, ये तीन सूरतें होगी। चौथी सूरत आपको मिलेगी, एक रिवायत बड़ी मशहूर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, जहां मौला फरमाते मफहूम उसका यह है कि इन कौमन, वही कुरान वाली बातें यहां लेकिन एक इजाफा भी है, इन कौमन अबदुल्लाह रगबतन। मैं अर्ज कर चुका आपकी खिदमत कि वो भी इबादत मकबूल है लेकिन कमाल की इबादत नहीं। इतना जहन में रहे, खौफ में भी इबादत अच्छी चीज है मगर कमाल इबादत नहीं है, शौक और तमा में भी इबादत अच्छी चीज है मगर कमाल इबादत नहीं है। इसकी वजाहत इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने इस रिवायत में फरमाई है और यह भी वाज़ेह होगा कि कमाल इबादत काहे में है। फरमाते इन कौमन अबदुल्लाह रगबतन, कुछ लोग वो है जो इबादत करते हैं लालच में, तिल का इबादत तुजार, ये ताजिरों की इबादत, ये बिजनेसमैन की इबादत है। नमाज दो जन्नत लो, रोजा दो जन्नत लो, फला नेकी करो जन्नत लो, ये बिजनेसमैन की इबादत। इमाम फरमाते और कुछ लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं खौफ डर में, वही जो हमने कुरान से आयत पेश की। इमाम फरमाते फतिल का इबादतुल अबीद, ये गुलामों की इबादत, नौकरों की इबादत है, गलत नहीं है लेकिन कमाल है इबादत नहीं है। अब कमाल कहाँ है, फरमाते हुए इन कौमन अबदुल्लाह शुक्रन, कुछ लोग वो है कि जो इबादत करते हैं अल्लाह की न लालच में न खौफ में बल्कि शुक्र खुदा। मसलन आप गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बोलने की सलाहियत दी, वो गूंगा बना सकता था कि नहीं बना सकता, कौन सी ऐसी नेकी हमने की है कि अल्लाह ने हमको गूंगा नहीं बनाया, कौन सी ऐसी नेकी हमने की है कि अल्लाह ने हमको बहरा नहीं बनाया, अल्लाह ने हमको अंधा नहीं बनाया, अल्लाह ने हमको लंगड़ा लूला नहीं बनाया, सब कुछ कर देता, हसीन और जमील बना देता, अकल सल्ब कर लेता, गूंगा बना देता, बहरा बना देता, उसका कर्म है कि नहीं। अब जो लोग हैं कुछ ऐसे हैं बकौल इमाम हुसैन के, उनको न जन्नत से मतलब है, मिले मिले न मिले न मिले, ना उनको जहन्नम का खौफ है, वो इबादत करते हैं अल्लाह के शुक्र के तौर पर। अब मैं फिर तीनों दोहरा दूं, फिर उसके लिए जो जुमला इमाम हुसैन का वो बड़ा गजब का है, क्या फरमाया हजरत ने कि कुछ लोग इबादत करते हैं रगबतन लालच में, फतिल का इबादत तो तुच्चा, ये ताजिरों की इबादत है, कुछ लोग इबादत करते हैं रगबतन खौफ में, फतिल का इबादत अबी, वो गुलामों की इबादत। फिर फरमाते हैं वह इन कौमन अबदुल्लाह शुक्रन, और कुछ लोग वो है जो अल्लाह की इबादत करते हैं शुक्रिये के तौर पर। यहां फरमाते हैं, वहां क्या कहा, गुलामों की इबादत, ताजिरों की इबादत, लेकिन वो लोग जो जन्नत जहन्नम से ऊपर हटके उठ के इबादत करते हैं शुक्रिये के तौर के ऊपर, वहां इमाम फरमाते हैं फतिल का इबादतुल अहबाब, ये है आजाद लोग। उसके बाद फरमाते या अफदलुल इबाद, ये नहीं कहा कि वो वाली गलत है, लेकिन ये कि बगैर जन्नत और जहन्नम को दरमियान में रखे हुए अगर कोई सिर्फ शुक्र के तौर के ऊपर इबादत करता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते या अफदलुल इबाद, ये है तमाम इबादतों में अफजल। बाज रिवायतों में शुक्र की जगह के ऊपर एक अजीब लग, ने कहा ना कि इमाम ने क्या फरमाया, कुछ लोग डर में, कुछ लोग लालच में, कुछ लोग शुक्रिया के तौर। बास किताबों में शुक्र की जगह एक दूसरा लग, तो इससे भी बना फरमाते इन कौमन अबदुल्लाह हुब्बन, कुछ लोग अल्लाह की इबादत करते हैं इसलिए कि वो अपने अल्लाह के आशिक हैं।
अल्लाह उनको दे न दे, जबान है नहीं है, गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, अपाहिज हैं, लग रहे हैं, टूटे हैं, उसके बावजूद शुक्रिया। ये किस बात पर इबादत कर रहे हैं? कौन सा शुक्रिया क्या है इनके पास? इनके पास अपने अल्लाह से इश्क है। इनकी सोच और इनकी फिक्र हमसे मुख्तलिफ है। बनी इसराइल के जमाने में कोई अपाहिज था, अंधा था, पड़ा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 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 कह गया। कोई उधर से गुजरा, उसने कहा यार तुम्हारे पास है क्या? नाबीना हो, अपाहिज हो, उसके बावजूद तुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े जा रहे। कहिए क्या कम अल्लाह का करम है कि जो गुनाह तुम कर लेते हो आंखों से अल्लाह ने मुझको उससे बचा लिया, जो गुनाह तुम पैरों से कर रहे हो अल्लाह ने मुझको उससे बचा लिया, जो गुनाह तुम हाथों से कर रहे हो अल्लाह ने मुझको उससे बचा लिया। तो वो अंधा है, अपाहिज है, लंगड़ा है, लूला, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों? वही इमाम हुसैन का जुमला, इन्न कौमन अबदुल्लाह हुब्बल्लाह। कुछ लोग अल्लाह की इबादत उसके इश्क में, न लालच है न खौफ है। क्या इस तरह के लोग मिलेंगे मौला? अल्लाह, आपने फरमा तो दिया कि कुछ लोग वो है जो इबादत करते हैं शुक्र के तौर पर, न जन्नत से मतलब न जहन्नम से, बल्कि इश्क खुदा की बुनियाद, चाहे जितनी मुसीबत में हो उसके बावजूद अल्लाह की इबादत। वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा मुमकिन है कि कोई आदमी दुनिया में मिलेगा? अजब नहीं, इमाम हुसैन फरमाए कि कोई मिले या ना मिले, कम अज कम मुझसे पहले मेरे बाप ने ये फितरा पहले ही कह दिया था। बहुत मशहूर है अमीरुल मोमिनीन का ये जुमला, सुना होगा आपने, कि जहां मौला ने फरमाया इलाही मा अबदतुका खौफन मिन नार, परवरदिगारा मैंने तेरी इबादत तेरी जहन्नम की लालच में नहीं की, वला तमअन मिन फी जन्नतक, और न मैंने तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच में की है, बल्कि बल वजदतुका अहलन लिल इबादत फअबदतुक, मैंने तुझको लायक इबादत पाया है इसलिए मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। अरे चलिए, वो तो मौला है ना। देखिए, एक जवाब हम लोग इस तरह की बातों पर दे देते हैं कि साहब वो तो अली है, उनका मुकाबला कौन कर सकता है। लेकिन ये जो तीसरी चीज है, शुक्र वाली इबादत या इश्क वाली इबादत, न जन्नत की लालच न जहन्नम की लालच, और कोई मिसाल है आपके पास अली अलैहिस्सलाम के अलावा? मैंने कहा हाँ है, एक दो नहीं है, पचासों मिसाल है, और एक ही जगह की है, एक ही वक्त की है। कहाँ? का शबे आशूर, इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया इन लोगों को मुझसे मतलब है, तुमसे कोई वास्ता नहीं, तुम लोग चले जाओ, उजाले में शर्म आ रही, चराग गुल कर देता हूं, चले जाओ। कोई नहीं गया। जब इमाम ने परख लिया तो फरमाया कि आओ, अब तुम लोगों की जन्नत में तुमको दिखला देता हूं, देखो मेरे इन दो उंगलियों के दरमियान, सबको उनकी जगह दिखला दी, अब तो जन्नत पक्की हो गई ना। ये जितने लोग हैं करबला मोहल्ला में शुहदा, आशूर के दिन की बात है, शबे आशूर, सबको इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने, अब इनको करना क्या था? भूखे हैं, प्यासे हैं, जन्नत पक्की हो गई, आराम से सोते, सुबह जा करके जो है वो जान देते थे बात खत्म हो गई, इसलिए कि अब जन्नत के लिए कुछ करना नहीं है, जन्नत इनकी कन्फर्म हो चुकी। उसके बावजूद सुनते रहते होंगे ना, रिवायत कहती है कि शबे आशूर इमाम हुसैन और उनके अस्हाब के खेमों से दुआ तिलावत इबादत की आवाज इस तरह आ रही थी जैसे शहद के छत्तों से उनके भिन भिनाने की आवाज आती है। अब कोई पूछे कि करबला में शबे आशूर में जो अस्हाब हुसैन अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे थे वो जन्नत की लालच में कर रहे थे? जन्नत उनकी कन्फर्म हो चुकी है, इमाम हुसैन दिखला चुके हैं। ये लोग जो करबला में इबादत कर रहे थे, भूखे और प्यासे तिलावत कर रहे थे, जहन्नम के खौफ में कर रहे थे, तो उनके जो है वो उनको जहन्नम में नहीं जाना है। अल्लाहु अकबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि है लोग दुनिया में ऐसे जो अल्लाह की इबादत करते हैं न खौफ में न लालच में, बल्कि खुदा को लायक इबादत समझ के करते। तो इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? लालच वाली इबादत ताजिर, खौफ वाली इबादत गुलामों, शुक्र वाली इबादत यह है आजाद लोगों की, वही अफजलुल इबादत,
और ये तमाम इबादतों में, सारी इबादतों में अफजल है। तो बात हमारी कहां चली थी, इबादत दो तरह की है, एक इबादत जबरी, एक इबादत इख्तियारी। जहां इबादत जबरी होगी वहां क्यों का सवाल नहीं होता, लेकिन जहां इख्तियारी होगी वहां क्यों का सवाल होगा। इबादत इख्तियारी करने वाले सिर्फ दो मखलूक है, एक का नाम है जिन, एक का नाम है इंसान। अब जब इनकी इबादत इख्तियारी है तो सवाल होगा इबादत क्यों नहीं कर रहे, या अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उसका जवाब यह हुआ कि कुछ लोग इबादत करते हैं तमाम में, कुछ लोग इबादत करते हैं लालच में। और अगर योगा क्यों नहीं कर रहे हैं तो उनका भी सीधा, इनको जहन्नम का खौफ नहीं है, इनको जन्नत का शौक नहीं है, हो गई बात। अब ये जब तय हो गया कि ये तीन तरह के लोग हैं, कुछ शौक में, कुछ खौफ में, कुछ शुक्र में, अब उसके बाद जो इबादत आती है उसकी कबूलियत के कुछ शराइत है। मैं जुमला उन चीजों के, एक चीज पर मैं तवज्जो दिला दूं और आपकी मजलिस इंशाल्लाह जहमत आप खत्म कर देता हूं, कि चाहे जितनी इबादत कर लीजिए, किसी इबादत की कोई हैसियत नहीं है जब तक हमारी इबादत में खुलूस ना पाया जाए, इखलास ना पाया जाए। अगर इखलास नहीं है तो आदमी के एक दिन भी नमाज शब कजा ना हो, लेकिन उसकी नीयत यह है कि लोगों को ये पता चले कि हम नमाज शब के आदि हैं, हमारी इबादत से कोई फायदा नहीं है। चुनांचे पहले मैं एक हदीस आपको इखलास पर सुनाता हूँ, फिर अल्लाह ने जो तौफीक दी 10-20 मिनट आगे बढ़ता हूँ। इरशाद होता है, अन्नास कुल्लुहुम हालिकून, सारे के सारे लोग हलाक। हलाक देखिए, इसका दो अपोजिट है, एक हलाक का अपोजिट है हयात और एक हलाकत का अपोजिट है नजात। यहां हलाकत से मुराद मौत नहीं है, बल्कि यहां हलाकत अपोजिट है नजात का। सारे के सारे लोग, अन्नास कुल्लुहुम हालिकून का मतलब सब हलाक, यानी किसी को नजात नहीं है, सब जहन्नम, सब हलाक, सब बर्बाद। इल्लल आलिमून, सिवाय उलमा के, सिवाय उन लोगों के जो अपना अमल इल्म की बुनियाद पर अंजाम देते। अब इंसान अगर आलिम है तो वो कॉलर टाइट कर ले कि साहब हम बच जाएंगे, जवाब नहीं। वल आलिमूना कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आमिलून, सारे उलमा हलाक, किसी को नजात नहीं मिलने वाली है सिवाय उन लोगों के जो अपने इल्म के मुताबिक अमल करते हैं। अब वो लोग जो आलिम है और अमल भी करते हैं वो खुश हो गए कि साहब हम बच जाएंगे, आप भी नहीं बच सकते। तीसरी शर्त भी है, वल आमिलूना कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून, सारे अमल करने वाले हलाक बर्बाद, कोई बचने वाला नहीं है इल्लल मुखलिसून, सिवाय उन लोगों के जो अपने अमल में खुलूस बरतते हैं। अलबत्ता खुलूस वाले भी ये वो ना हो कि हम बच गए, हो सकता है आज हमारा अमल खुलूस के साथ हो और जिंदगी हमारी 25 साल बाकी है, किसी के साथ मैंने आज कोई नेकी की है, कोई एहसान किया है, 10 बरस के बाद हमने उसी नेकी की बुनियाद पर, हमको जो तवक्को थी उससे, उसने वो हमारा काम नहीं किया, हमने उसको मजमेआम में जलील कर दिया। 10 साल के बाद हमने पब्लिक के सामने कहा, बताइए ये एहसान फरामोश लोग, मैंने 10 साल पहले इनको कितना इनका साथ दिया था, आज ये जवाब दिया इन्होंने, वो जो 10 साल पहले वाकई अल्लाह के लिए किया था हमने, आज 10 साल के बाद एहसान जता के हमने अकाउंट से वो नेकी अपनी खारिज कर दी। लिहाजा अब अगला फकरा है, फिर शुरू से हदीस आपको दोहराऊं, अन्नास कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आलिमून, सब हलाक सिवाय उलमा के, वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आमिलून, सारे उलमा हलाक सिवाय अमल करने वालों के, वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून, सारे अमल करने वाले हलाक सिवाय खुलूस वालों के। अब उसके बाद हदीस कहती है, खुलूस वालों घमंड मत करना, वल मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम, और खुलूस वालों के ऊपर भी मडला रहा है खतरा, कब शैतान बहका दे और कब इंसान के, बिल्कुल उसी की मिसाल आप यूं समझ लीजिए,
कि आप 200-200 रुपए 500-500 रुपए करके अपनी लड़की की शादी के लिए बैंक में जमा कर रहे हैं। 20 साल से आपने जमा किया, मालूम हुआ 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। आपने लड़के को भेजा, जाओ अकाउंट में 10 लाख रुपए निकाल के ले आओ। वहां से लड़के का फोन ऐसा, पापा तो अकाउंट में कुछ नहीं है। दौड़े हुए गए, मैनेजर से मिले, आपने सारा उसको दिखला दिया, ये जमा किया, ये जमा किया, ये जमा किया। कहा साहब चेकबुक लाए हैं आप, वो भी तो दिखलाइए कि कब कब निकाल। तो जमा करना हुनर नहीं है, अकाउंट से निकलने ना पाए वो हुनर है। इसी की ताकीद इस्लाम की कर रहा है कि भैया पहला काम तो ये कि अमल इखलास के साथ होना चाहिए, और दूसरा काम ये कि इखलास से करने के बाद ही डरते रहो कि कब शैतान हावी हो जाए, बहका दे और वो नेकी हमारे अकाउंट से निकल जाए। लेकिन अगर वाकया हमारा अमल बहुत ज्यादा नहीं, रिवायत सुना दो आपको, सिर्फ 40 दिन जो वाकई बस में नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन कोशिश करना तो हमारी जिम्मेदारी है ही। आप हजरात जो सुन रहे हैं उनसे भी दरखास्त है कि दुआ करें अल्लाह इस नालायक को भी तौफीक अता फरमाए कि जो कह रहे उस पर अमल की कोशिश करें। इच्छा रिवायत कहती ज्यादा नहीं 40 दिन अगर आदमी अपने को खालिस कर ले तो यहाँ रिवायत कहती मा अखलस अब्दुन लिल्लाह अज़्ज़ा वज़ल 40 सबाह। कोई भी इंसान ज्यादा नहीं 40 दिन अपने अमल में इखलास पैदा कर ले, जरत यनाबीउल हिकमा मिन क़ल्बिही अला लिसान, अल्लाह हिकमत का चश्मा उसकी जबान से जारी कर दे। कितने दिन? 40 दिन। इसीलिए इखलास के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। क्यों? इसलिए एक रिवायत और भी है, कहते अखलसिल अमल, अपने अमल को खालिस करो, अल्लाह के लिए करो। क्यों? फइन्न नाकिद बसीर, जांचने वाला बड़ी बारीकी से जांचे। ऐसा नहीं है कि खाली जो है वो हमने कह दिया और वो हो गया। अब आइए साहब एक चीज इसमें और, वो कौन? तो सारे अमाल की बुनियाद काहे पर है? सवाल, अगर कोई हमसे आपसे पूछे हमारे आमाल की कबूलियत की बुनियाद काहे पर, जवाब इखलास के। और ये खुलूस का पैदा होना इतना आसान भी नहीं है। मैं आपको एक रिवायत सुना दूं, शैतान से बड़ा कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ये बात मैं मुस्तकिल अपनी मजलिसों में कहता हूं कि भैया जाहिर के दुश्मन के चक्कर में बाद में पढ़ना, पहले जो हमारे नफ्स में घुसा हुआ हमारा दुश्मन है पहले उसको निकाल के कत्ल किया। इसलिए कि उसने कसम खा रखी है, देखिए हमारे आपके यहाँ इख्तलाफ होता है, हमारे आपके यहाँ झगड़ा होता है, मुकदमा चलता है, तो दो ही सूरत है, या हार जाएंगे या सुलह हो जाएगी, या जीत जाएंगे या सुलह हो जाएंगे। अक्सर मुकदमात में होता है, अक्सर लड़ाई में होता है, 10 साल के बाद मसालियत हो गई, 15 साल के बाद मसालियत हो गई, या हम हार गए मसलन, या हम जीत गए मसलन। लेकिन शैतान एक ऐसा दुश्मन है कि जिसके यहाँ सुलह का कोई तसव्वुर नहीं है, सुलह का कोई ऑप्शन ही नहीं। या वो हार जाएगा या हमको जहन्नमी, जितनी भी कोशिश हम कर। लिहाजा अभी मैं उसकी वजह आ रहा हूं, फिर हमको करना क्या है। चुनांचे मैं वो रिवायत पहले आपको सुना दूं। रिवायत कहती है कि अगर कोई शख्स 2 रकत नमाज खालिसतन अल्लाह के लिए पढ़ ले, पिछले सारे गुनाह माफ। बजाहिर कितना आसान काम, क्या करना है? 2 रकत नमाज। हम जितने लोग हैं अपने नफ्स से पूछे पूरी जिंदगी में मिला के, हमारी जिंदगी में कोई ऐसी 2 रकत नमाज है जिसमें अल्लाह अकबर से लेके सलाम तक खुदा के अलावा कोई तसव्वुर ना आया हो? एक आलिम दीन थे नजफ अशरफ की बात, देखिए शैतान कैसे हमारे पीछे पड़ा। उन्होंने भी ये रिवायत पढ़ी तो उन्होंने तय किया कि कोशिश करते हैं 2 रकत नमाज वाकयान अल्लाह के लिए, बगैर किसी इधर उधर के तसव्वुर के खुदा के लिए कोशिश करता हूं पढ़ने की, सारे मुस्तहबात के साथ। कहां पढ़े नजफ में? चलो मस्जिद कूफा में पढ़ते,
सारी तैयारी कर ली, लिबास ये वो तहारत पहारत सब लिहाज करके वहां पहुंचे, जितने मुस्तहबात हैं जैसे ही उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, फौरन दिमाग घूम गया, मस्जिद कूफा में गुंबद नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जबान चल रही है, दिमाग उधर उधर है, तो अगर बनवाया जाए तो कितना खर्च होगा, वहां का जो है वो बिस्तरी हो, वहां से सामान आया जाए, सुभान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, वो इधर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहु, नमाज तमाम, उधर मस्जिद कूफा का गुंबद बन गया। शैतान है, करने नहीं देगा हमको, लिहाजा अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, कोशिश करना के इखलास, और अगर हमको ये एहसास हो जाए कि हमने क्या मैंने इखलास से कर लिया, तो उसके बाद उससे बड़ा मसला पैदा हो, वो क्या कि उस अमल को बाकी, ये खलूस बर्बाद कैसे होता है, असबाब बहुत से हैं, रियाकारी है, मक्कारी है, दिखावा, बहुत सी चीजें हैं, वो तफसील में जाने से एक पर अर्ज करता हूं, मिल जुमला उन चीजों के कि जो हमारी इबादत या हमारे अमल के खलूस को ठेस पहुंचाते हैं, उसका नाम है उज्ब, यानी घमंड, यानी गुरूर। दो दिन नमाज पढ़ लिया, अब शैतान घुस जाएगा, बहुत मोमिन आदमी, उसकी क्या बात करते हो यार, उसकी क्या औकात है, यहीं से शैतान घुसेगा हमारे अंदर बर्बाद करने के, पहला हरबा उसका यह है कि हमको अपने अमल पर घमंडी बना दे। इसके मुकाबले में जो अहले बैत हमको तरबियत कर रहे हैं वो यही कि कुछ करते जाओ, कभी गुरूर मत कर, कभी घमंड मत कर, हमेशा अपने को खताकार समझ, हमेशा अपने को मुजरिम समझना, हमेशा अपने को चुनांचे दुआए मकारिमुल अखलाक में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कितनी लतीफ बात फरमाई है दुआ के ज़ैल में, परवरदिगारा जितना पब्लिक में हमारी इज्जत बढ़ती जाए, हमको उसी रेशियो से अपने नफ्स में जलील करते जाए। असल हुनर यह है, अगर हमको अपने अमल को बचाना है तो ये करना पड़े, क्या अपने आप को घमंड से बचाए, कोजिम से बचाए, सारी बर्बादी की जाओ, सारी कामयाबी की बुनियाद इखलास, और इखलास की बर्बादी की बुनियाद घमंड है, तो अब यूं कहिए कि सारी बर्बादी की जड़ और बुनियाद इंसान का अपने अमल पर घमंड करना। तो एक हदीस सुनाता हूं, ज़हमत आपके खत्म करता हूं, चुनांचे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासुन मुहलिका, तीन चीजें इंसान को बर्बाद करने वाली, नंबर एक शुहुन मुता, कंजूसी, कंजूसी इंसान को बर्बाद कर दी, मेरा मौजू नहीं है कि उस पर कंजूसी पे चला जाऊं, लेकिन यह है कि कंजूसी इंसान को जहन्नम तक पहुंचा दे। अल-बखील रिवायत है, अल-बखील बईदुन मिन अल्लाह, बईदुन मिन अन्नफ्स, बईदुन मिन अल-जन्नत, करीबुन मिन अल्लाह, कंजूस अल्लाह से दूर, इंसान से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम से करीब। लिहाजा पैगंबर ने इस हदीस में क्या फरमाया, तीन चीजें इंसान को बर्बाद करने वाली, नंबर एक शुहुन मुता, कंजूसी, नंबर दो हवन मुत्तबिया, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करना, नंबर तीन वो जो हमारा मौजू व इजाबुल मरए बिनफ्से, इंसान का अपने नफ्स के ऊपर घमंड करना। अब आपसे एक सवाल है, फिर मैं रिवायत आपको सुनाता हूं, कौन आदमी है हम लोगों, यहां भी जो बैठे हैं उनसे भी सवाल है, आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी सवाल, कौन हम लोगों में ऐसा है जो गुनाहगार, कहीं ना कहीं हम लोग सब लोग उसी में, लेकिन अगर कोई वाकई आदमी ऐसा मिल जाए जिसने जिंदगी में गुनाह ना किया हो, उसका मुकाबला हम लोग कर सकते हैं, ऐसे शख्स के लिए पैगंबर अजब जुमला फरमाते हैं कि अगर तुम गुनाह ना भी करते तब भी मुझको तुम्हारे लिए गुनाह से बड़ी चीज का डर लगा,
मैं रुक गया इसलिए कि आप लोग मतवज्जो दे कि कौन सी हदीस आ रही है गजब की। पैगंबर फरमाते हैं कि लौलम तज़नबु तज़नबु लखशीतु अलैकुम मा हुवा अकबर मिन ज़ालिक, अगर तुम लोग गुनाह ना भी करते तो मुझको तुम्हारे लिए डर लगा हुआ है गुनाह से बड़ी चीज। सवाल होगा या रसूलल्लाह गुनाह से बढ़ के क्या है? फरमाते हैं वो गुनाह से बड़ी चीज है अल उज्ब, अपने अमल पर घमंड करना, अपने अमल पर इतराना। लिहाजा इस बिना के ऊपर हम ये जुमला कह सकते हैं, शर्मिंदा गुनाहगार बेहतर है मगरूर। ये जुमला सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के बाद कि शर्मिंदा गुनाहगार बेहतर है मगरूर आदत के मुकाबले, और ये मैं अपनी जेब से नहीं कह रहा हूं, रिवायत मौजूद है। इरशाद होता सय्यातुन तसुका, वो बुराई जो तुमको अपने नफ्स में जलील कर दे, खैरुन इंदल्लाह मिन हसनतिन तुजबुक तुजबुक, खुदा के नजदीक वो उस नेकी से बेहतर है जो तुम्हारे अंदर गुरूर पैदा कर दे, जो नेकी घमंड पैदा कर दे उससे बेहतर वो गुनाह है वो बुराई है जो तुम्हारे नफ्स को तुम्हारे अंदर जलील कर दे। अल्लाहु अकबर। चुनांचे इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु व सलाम इरशाद फरमाते हैं, दखल रजुलान अल मस्जिद, दो लोग मस्जिद में दाखिल हुए, अहदुहुमा आबिद, एक आबिद, वल आखर फासिक, दूसरा फासिक था, फखरजा मिन अल मस्जिद, दोनों मस्जिद से निकले। आलम क्या था? कि वल आबिद वल फासिक सिद्दीक वल आबिद फासिक, फासिक सिद्दीक हो चुका था और आबिद फासिक हो चुका था। इमाम ने वजह बतलाई क्या? फरमाते हैं वजा लेकर ये इस बिना पे हुआ कि अन्नहु यदखुलुल आबिद अल मस्जिद मुदिल्लन बि इबादते, आबिद मस्जिद में जितनी देर रहा अपनी इबादत पर मखरूर घमंड, वतकून फिक्रतुल फासिक फितदम अलाफिस्ते वयस्तगफिरुल्लाह मिम्मा सना मिन अदनूब, और फासिक जितनी देर रहा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा इस्तिगफार गुनाह को याद कर करके, वो आबिद अपने घमंड की बुनियाद पर फासिक हो गया, ये फासिक अपने तौबा इस्तिगफार और शर्मिंदगी की बुनियाद पर सिद्दीक बन गया। चुनांचे अल्लाह ने जनाब दाऊद पर एक वही, ये बहुत गजब की है सुन लीजिए तमाम, जनाब दाऊद पर अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल की, फरमाया या दाऊद बशर अल-मुसनबी وانذر الصديقين, दाऊद गुनाहगारों को खुशखबरी दे, وانذر الصديقين और सिद्दीकों को डराओ। ये अजीब रिवायत हदीस कुदसी, अल्लाह फरमा रहा है हजरत दाऊद से, दाऊद गुनाहगारों को बशारत दे दो खुशखबरी दे दो, وانذر الصديقين और सिद्दीकों को डराओ। जनाब दाऊद ने कहा कि पालने वाले कैफा وبشر المذنبين وانذر الصديقين, क्या मतलब हुआ कि गुनाहगारों को बशारत दे और सिद्दीकों को डराए? अल्लाह का जवाब आया कि या दाऊद बशर المذنبين بأني أقبل التوبة, गुनाहगारों को बशारत दे दो कि मैं तौबा कबूल करता हूं, وانذر الصديق واعفو عن الذنب और मैं गुनाहों को माफ करता हूं, وانذر الصديقين और सिद्दीकों को डराना, अल्लाह يعجبك بأعمالك खबरदार अपने अमल पर घमंड मत करना, فإنه ليس عبد يعجب بالحسنات, इसलिए कोई भी मेरा बंदा ऐसा कि जिसने अपनी नेकियों पे घमंड किया, इल्ला हलाक मगर ये कि वो बर्बाद हो हलाक हो गए, नजात नहीं मिली। तो हमारे वजूद खिलकत का सबब हमारे क्या है? इबादत। लेकिन उस इबादत के लिए चलिए ठीक है जन्नत के लालच में कर ले, जहन्नम के खौफ में कर ले, वो वाली तो मुश्किल है कि अल्लाह के शुक्र के लिए हो या इश्क में हो जो करबला वालों ने किया, जो मौला फरमाते हैं कि मैंने तेरी इबादत जन्नत की लालच और जहन्नम के खौफ में नहीं की, हम जहन्नम की खौफ ही में कर ले, जन्नत के लालच ही में कर ले,
लेकिन उसके साथ साथ शर्त जो अदब अहम है, एक इखलास। जन्नत ही की लालच कर रहे हो ना तो जन्नत ही का ख्याल रखो, दुनिया को दिखलाने के लिए ना करो। तो पहली चीज अमल में इखलास, और दूसरी चीज जो उससे ज्यादा खतरनाक वो है अपने अमल पर घमंड करना। आइए मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मरने से पहले, इसलिए कि आज एक मोमिना के सय्यूम की मजलिस है तो आज उनकी मजलिस है, कल हमारी मजलिस हो। मरना सबको है, चालाक वो है जो मरने से पहले अपने को ठीक करे, चालाक वो है जो मरने से पहले तौबा करे। हदीस कहती है ताइब मिन ज़म्ब कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला जस लाइक उसने गुनाह नहीं किया। खुदा हमको हुर जैसा जज्बा अता फरमा, हम अपने गुनाहों को मान के तेरी बारगाह में गिड़गिड़ाने की तौफीक। अल्लाह हू अकबर। ये वही शर्मिंदगी थी हुर की जिसने हुर को हुर से अलैहिस्सलाम बनाया, वरना कितने लोग मक्के में मदीने में कूफे में कुरान पढ़ने वाले इबादत करने वाले दुआ पढ़ने वाले थे जो इबादत के गुरूर और घमंड में रह गए करबला तक नहीं। हुर इतना बड़ा गुनाहगार होने के बावजूद के इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह लेकिन अपनी शर्मिंदगी की बुनियाद पर आज तक अलैहिस्सलाम कहे जा रहे बहिश्ती हो गए। खुदा हमको भी हुर की तरह तौबा की तौफीक अता फरमा, हमको भी इस्तिगफार की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अहम चीज सबसे बेहक इमाम रजा अलैहिस्सलाम जिनकी विलादत की तारीख अभी गुजरी है, या अल्लाह हम सबको अपने अमल पर खुलूस नीयत और उसके बाद अता फरमा और उसके बाद घमंड से बचने की तौफीक दे। बस मजलिस रात की मैंने तमाम कर दी चंद जुमले मसाइब के और खत्म दुआ। माँ सबके पास है लेकिन जैसी माँ अल्लाह ने हुसैन को दी वैसी माँ कायनात में किसी के पास नहीं। रिवायत कहती है इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले हैं, बीबी को बहिश्त में सुकून नहीं मिल सका, रूह फातिमा हुसैन के साथ साथ। बल्कि यहां तक बाज़ बुजुर्गों का फरमाना है कि एक दिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि पुश्त खैमा से किसी बीबी के रोने की आवाज आती, ऐसा बेचैन होकर रोती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे के सदमे में गम में रोती। इमाम ने फरमाया बहन वो कोई और नहीं है, वो हमारी दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा। अब आपके जहन में ये रहे कि करबला के सारे वाकया रूह फातिमा देख रही। इस तसव्वुर के बाद अब आइए मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। सब चले गए, मेरा मौला अकेला है, मेरा मौला तन्हा है। रिवायत कहती है फनज़रा यमीनन व शिमाला, इमाम ने दाहिने देखा बाएं देखा। रिवायत कहती है मेरा नीस ने भी इसी चीज की तरफ शायद इशारा किया अपने शेर में, नास रहा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। आए दरे खैमा पर ज़ैनब खुदा। देखिए एक बात मैं पहले आपकी खिदमत में गुजारिश करूँ, खुदा ना खास्ता मेरा मकसद ये नहीं है कहने का कि अब्बास की शहादत अलैहिस्सलाम मामूली, हजरत अली अकबर की शहादत हल्की है, अस्हाबे किराम की शहादत मामूली है, नहीं। लेकिन आप अगर तसव्वुर करें अकबर की खबर आई कम से कम इतना इत्मीनान तो था ना कभी भैया मौजूद, अब्बास की लाश अब्बास की खबर आ गई इतना तो बीबियों में ढारस है कि अभी भाई मौजूद है। लेकिन जब इमाम हुसैन ने कहा होगा ज़ैनब खुदा हाफिज ए रुकैया और रुबाब खुदा हाफिज, जिधर निगाह जाएगी हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन तो नजर आ रहे हैं, शायद बीबी ने सोचा हो अकेली ज़ैनब क्या करेगी, एक भैया का सहारा था सो वो भी जा रहे हैं। तारीख कहती है आगे बढ़ी दौड़ के इमाम के गले से लिपट गई, भैया मैं तुम्हें न जाने दूंगी। अकेली ज़ैनब यतीमों को देखे बीमार को देखे बेवाओं को देखे, इमाम हुसैन समझ गए
कि ज़ैनब से इजाजत लेना आसान काम नहीं है। फ़अशारा अलैहि सलाम इला क़ल्बि उख्ते, भाई ने बहन के दिल की तरफ इशारा किया। न जाने इस इशारे में क्या खुसूसियत थी, शरह सदर हुआ, जुदा हुई। अच्छा भैया जाओ, खुदा हाफिज। सवार हुए, अभी चंद कदम चले थे कि रिवायत कहती पीछे से आवाज आई, महलन महला यबन जहरा, महलन महला यबन जहरा, ए जहरा के लाल धीरे धीरे, ए जहरा के फरजंद आहिस्ता आहिस्ता। इमाम ने मुड़ के देखा, हजरत ज़ैनब चली आ रही है। घोड़े से उतर गए, फरमाया बहना तुम तो रुख्सत कर चुकी थी, अब क्यों चली आ रही हो? फरमाया अम्मा की ख्वाहिश थी, जब मेरा लाल जाने लगे मेरे बच्चे के गले को चूम लेना। भैया जरा बंदे कबा खोलो, पढ़ना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, कोई बीबी के दिल से पूछे जिस भाई के गले को चूमने जा रही हो, अभी उस पर कुंद खंजर फिराया जाएगा। कैसे जुदा हुई भाई से नहीं मालूम। इमाम मैदान में चले गए। हाँ अलबत्ता तारीख कहती है कि ज़ैनब से खैमे में रुका न गया, आ गई एक बुलंदी पर। अल्लाहु अकबर, जो आज भी करबला जो ज़ियारत पे गए हैं उन्होंने देखा होगा तिल्ले ज़ैनबिया को, जंग का मंजर अपने भाई के देख रही हैं। कहते में क्या देखा ज़ैनब ने, लड़ते लड़ते एक वक्त वो आया जब इमाम से घोड़े पे सफला न गया। रिवायत कहती फजलस शिमरो अला सदरे, शिमर मलऊन जिसमें अतहर पे सवार हुआ। मेरे भाइयों, जानवर भी ज़बह किया जाता है, उसके अपने उसूल है, उसके अपने ज़वाबित है, उसका अपना तरीका है। गला सामने से काटा जाता है, पानी पिला लिया जाता है, छुरी तेज होती है ताकि ज़बह होने वाले को अज़ियत ना हो। लेकिन हाय रे मेरा मज़लूम इमाम, अल मज़बूह बिल क़फ़ा, सामने से नहीं पसे गर्दन से कुंद खंजर, सूखा गला। चुनांचे रिवायत कहती है शिमर खंजर फेर रहा था, गला जुदा नहीं हो रहा था। फ़दरबा इस नई अशर ज़रबा, 12 मर्तबा छुरी फेरी। यह वक्त वो था कि बुलंदी से बहन भाई का मंजर देख रही है। रिवायत कहती है कि बीबी से बर्दाश्त नहीं हो सका, वहीं से आवाज लगाई यबन सादे अयुक्तल अबू अब्दुल्ला व अंत तंजुर इले, ए साद के बच्चे, अरे मेरा भैया ज़बह हो रहा है, तू खड़ा देख रहा है? ज़ैनब को तारीख ने देखा, लिख दिया, किताबों में आ गई। लेकिन रूह तो तारीख नहीं देख सकती ना, इसलिए तारीख ने नहीं लिखा। मगर रिवायत कहती है, अभी मैंने अर्ज किया कि रूह फातिमा करबला में मौजूद है, अब यहाँ तारीख की बात नहीं, रिवायत कहती है कि शिमर जब इमाम के गले पर खंजर फेर रहा था, अचानक आवाज आई, पैगंबर ने फरमाया अली हुसैन की मदद करो। मौला ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या कातिल से तलवार लेके फेंक दूं? फरमाया नहीं, माँ की रूह बेटे से लिपटी हुई है, फातिमा को हुसैन से अलग कर दो। अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़े, रूह फातिमा को हुसैन खुद कातिल शिमर कहता है कि जिस वक्त मैं हुसैन के सरोतन में जुदाई कर रहा था, मेरे कानों में किसी बीबी की आवाज आ रही थी, वलदी वलदी कतलू का चाना, हाय मेरा लाल, हाय मेरा हुसैन, तुझे प्यासा मारा। وسيعلم الذين ظلموا اي الله وانا اليه راجعون ذکر اہل بیت ہے یا اللہ اس کا ثواب اس مومنہ کی روح تک پہنچا دے، جھوٹے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ حضرات بھی دہرائیے اس مومنہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم فروردگار سورة حمد و توحید اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ عفت سیدہ نقوی بنت مرحوم رئیس الحسن نقوی کی روح تک پہنچا دے اللہم صل علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ مولانا صاحب سبحان اللہ नहीं नहीं घर पर हूँ नहीं घर हूँ मोमनी नजरात आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने जिस उनवान से जिस जगह से मरहूमा के साले सवाब के लिए इस मजलिस को ज्वाइन किया उनके शुक्रगुजार हैं आइए हम सब मिलकर एक मरतबा और एक मरतबा सूरह फातिहा तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूमा की रूह को इसाल कर देते हैं। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम।